पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया, किसी की रुपाई पे करना है। सुनना चाहते हैं, आपके आंसू आ गए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये तो खुशी के हैं सर। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। मतलब हम दोनों एक साथ है, लेकिन मेरा भाई डे शिफ्ट में नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था, हम डे शिफ्ट में कर रहा था, तो मेरा भाई शिफ्ट में ऐसा हो गया बोल के ऐसा हुआ। 17 दिन यानी 399 घंटे बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को मंगलवार को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें 12 नवंबर को टनल का एक हिस्सा ढहने से 41 मजदूर सुरंग में ही फंस गए थे और तब से ही सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की जंग चल रही थी। देश भर से मजदूरों के लिए प्रार्थना हो रही थी। रेस्क्यू टीम की दिन रात मेहनत के बाद मंगलवार रात को सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। 17 दिनों बाद 41 मजदूरों के परिवारों ने मंगलवार रात को राहत की सांस ली। मंगलवार की रात सुरंग से बाहर आए 41 मजदूरों को फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। माना जा रहा है कि 24 घंटे की निगरानी के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को चिन्यालीसौड़ अस्पताल में जो है यहाँ भर्ती कराया गया और यहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। बाकायदा देर रात जो है उनको यहाँ ला दिया गया था। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यह आपको बताना चाहेंगे। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको रखा गया। ITBP और पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो है उनके सुरक्षा में यहाँ तैनात किए गए थे और 41 बेड जो रिजर्व किए गए थे उनका यहाँ पर प्राथमिक उपचार हुआ। जितने भी 41 मजदूर हैं वो सबके सब जो है स्वस्थ बताए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अब इंतजार है सिर्फ उसका कि ये जो परिजन है परिजनों को जो है उनसे मिलने के साथ साथ उनको सौंपा जाएगा। साथ में जो है मुख्यमंत्री स्वयं जो है आज दोबारे जो है उनके हालचाल जानने यहाँ पहुँच रहे हैं और ऋषिकेश एम्स भी जो है कुछ मजदूरों को ले जाने की जो है वो भी तैयारी की गई है। कुल मिलाकर के इंतजार है कि जितने भी मजदूर हैं ये सुरक्षित अपने घर पहुँचे। सुनील तपलियाल, सहारा समय, चिन्याली सौड़, उत्तरकाशी। बता दें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सुरंग से बाहर निकाले गए 41 मजदूरों में किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, सभी स्वस्थ हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूरों को 1,00,000 का चेक सौंपा जाएगा और वे मजदूरों की कंपनियों से अनुरोध करेंगे कि इन्हें 15 या 30 दिन के लिए बिना तनख्वाह काटे छुट्टी भी दें। सीएम धामी ने कहा कि मंदिर के मुहाने पर बाबा बौखनाग का भी मंदिर स्थापित किया जाएगा, इसके लिए काम शुरू हो गया है। सीएम ने कहा कि पहाड़ी राज्य में निर्माणाधीन सुरंग की समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया है। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके जानकारी के लिए आपको बता दें रेस्क्यू का काम SDRF और NDRF के साथ ITBP, BRO, आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस की टीमों ने संभाला था। बाद में भारतीय सेना भी ऑपरेशन में जुटी। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 800 mm की पाइप के जरिए मजदूरों को सुरंग से निकाला गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।